आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन 7, जिसको मैंने केसीफाई सुपर सेल से ऑर्डर किया है। और ये जो ऑर्डर है वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे ऑर्डर करने के लिए कहा है, तो उसी के लिए इस फ़ोन को ऑर्डर किया गया है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट का एक्चुअल में क्वालिटी कैसा है और किस तरह से आप भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरी तरफ से ऑर्डर करो या मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं, तो किस तरह से ऑर्डर करना है वो मैं वीडियो के आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह का पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगा केसीफाई सुपर सेल की तरफ से। और अगर इस आईफोन 7 की प्राइस की मैं बात बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग प्राइस देख सकते हो, 8,218 रुपया इसका प्राइस है आईफोन 7। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, और जैसे ही कट कर लेंगे आई होप यहाँ से पैकेट जो है वो निकल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर हमें और एक पैकेट देखने को मिलता है, जो कि सुपर सेल का ही पैकेट है और यहाँ पे सील किया गया है। तो इसको हम लोग फटाफट काट लेते हैं, और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एकदम ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि पैकेट में आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो पैकेट खुल गया, इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहा है, और प्लास्टिक से नीचे यहाँ पे हमें फ़ोन देखने को मिल जाएगा। फ़ोन को साइड में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे मिल जाता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, और बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बाद बॉक्स आप लोग देख सकते हो एम्प्टी हो चुका है। तो फ़ोन के साथ हमें ना तो चार्जर देखने को मिलता है, ना तो डेटा केबल देखने को मिलता है। एक बार बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है आईफोन 7 ब्लैक कलर का, ग्रेड इसका बी ग्रेड का है। और अगर हम लोग यहाँ पे मेमोरी वर्जन की बात करें तो 128 GB वाला ये फ़ोन है, और यहाँ पे अमाउंट आप लोग देख सकते हो 8,218 रुपया लगा है। तो देखते हैं कि 8,000 रुपये के हिसाब से ये जो 128 GB आईफोन 7 है वो एक्चुअल में क्वालिटी कैसा है। सो सबसे पहले हम लोग फ़ोन को पैकेट से निकाल लेते हैं। पैकेट आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ स्टिकर लगाया हुआ है, ताकि केसीफाई इस स्टिकर से इंश्योर करता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आता है तो कुछ अगर खराबी निकलता है तो विथ स्टिकर आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, क्योंकि अगर स्टिकर निकल जाएगा तो उसके बाद वो लोग रिटर्न नहीं लेता है। तो चलिए फ़ोन का एक बार हम लोग फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। फिजिकल कंडीशन आप लोग देख सकते हो, फ़ोन का कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ब्लैक कलर का ये आईफोन 7 है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्क्रैच वगैरह का, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्क्रैच है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलर जो है वो निकल गया है। और अगर हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेम देखने की कोशिश करें, तो फ्रेम में आप लोग देख सकते हो हल्का फुल्का तो डेफिनेटली स्क्रैच वगैरह है, कुछ यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है फ़ोन में, तो एकदम आप लोग देख सकते हो एकदम जो मिंट कंडीशन होता है वो भी नहीं है, लेकिन हाँ ये यूजेबल कंडीशन है। और बैक ग्लास में आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे छोटे मोटे आपको हेयर लाइन स्क्रैचेस देखने को मिल जा रहा है। डिस्प्ले के साइड में अगर आ जाएंगे तो डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हो एज इट इज डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैच वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले पूरा अनइंटैक्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फ़ोन को फटाफट स्विच ऑन कर लेते हैं और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फ़ोन में क्या सही है क्या सही नहीं है। और एट द लास्ट हम लोग फ़ोन को 3U टूल से भी चेक करेंगे और देखेंगे इसके कितने पार्ट्स ओरिजिनल है और कितने पार्ट्स यहाँ पे डुप्लीकेट है या तो चेंज किया गया है। सो फोन को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे सेटअप कर लिया है, और मैं ऑलरेडी अपना सिम कार्ड जो है वो इसमें लगा चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क आ रहा है, जियो का नेटवर्क है, और जियो 4G जो है वो सपोर्टेड है। इसमें मैं आप लोगों को एक बार कॉलिंग करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें कॉलिंग जो फंक्शन है वो ऑलरेडी वर्किंग है, कोई भी एज सच इशू नहीं है। साउंड इसका ओके है, और मैंने कॉल करके भी टेस्ट कर लिया है, कॉलिंग करते समय यहाँ पे सुनाई भी दे रहा है, और यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो भी काम कर रहा है। सो चार्जिंग टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सो चार्ज होना ये फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो वर्किंग कंडीशन में है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। चलिए एक बार कैमरा को टेस्ट करके देखते हैं कैमरा इसका वर्किंग है कि नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कैमरा जो है वो वर्किंग है, अगर हम लोग बैक कैमरा की बात करें, और इसमें हम लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और फ़ोटो का क्वालिटी के बारे में मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन है, लगभग ये 10 साल पुराना फ़ोन है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी इसमें सही है। चलिए एक बार फ्रंट कैमरा को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हो, फ्रंट कैमरा भी वर्किंग है,
और इसमें भी हम लोग फोटो वगैरह जो है वो क्लिक कर सकते हैं और फोटो क्वालिटी एज इट इज आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है। एक बार हम लोग फटाफट फोन के सेटिंग में चल जाते हैं और यहाँ पे जनरल सेक्शन में जाते हैं, अबाउट में चलेंगे और इसका जो सीरियल नंबर है उसमें एक बार हम लोग चेक कर लेंगे एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में क्या ये सीरियल नंबर वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे एप्पल सीरियल नंबर चेकर जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे और जो हमने सीरियल नंबर को कॉपी किया है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईफोन 7 आ गया, अक्टूबर 2017 का यहाँ पे परचेज डेट दिखा रहा है। तो लगभग यहाँ पे फोन जो है वो हमारा 6 साल पुराना फोन है और इस साल को मिला के ये 7 साल पुराना है। बाकी वारंटी वगैरह सारा कुछ एक्सपायर हो चुका है। सेटिंग में चलेंगे और एक बार देख लेंगे हमें बैटरी हेल्थ कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी सेकेंड हैंड आईफोन में बैटरी हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे चलेंगे बैटरी में, बैटरी हेल्थ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी इसका 81% जो है वो बैटरी हेल्थ शो कर रहा है और आई होप मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो बैटरी है ये ओरिजिनल बैटरी होगा। बाकी मैंने ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल कनेक्टिविटी सारा कुछ चेक कर लिया है, ऑल आर वर्किंग, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सो एक बार हम लोग टच आईडी को चेक कर लेंगे, टच आईडी हमारा वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टच आईडी जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जा रहा है। सो एक बार रजिस्टर्ड हमने कर लिया है और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वेरीफाई जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। तो फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी पासकोड डाल के हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ईजी बता रहा है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोगों को याद जो है वो अच्छी तरह से रह जाएगा। सो यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया है। अब फिंगरप्रिंट को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट जो है वो काम कर रहा है और हालांकि थोड़ा सा स्लो आप कह सकते हो फिंगरप्रिंट, और काम लेकिन कर रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो यहाँ पे आपको फील हो सकता है। बाकी डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो, डिस्प्ले एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, डिस्प्ले में कोई भी इशू नहीं है। नोटिफिकेशन पैनल यहाँ से जाके क्विक डगल हर एक चीज़ यहाँ पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे फोन में टच में कोई भी इशू नहीं है। अगर हम लोग बटन्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हो माइनस बटन, प्लस बटन, साइलेंट बटन और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन सारा कुछ जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। तो केसीपाई सुपर सेल में ग्रेड बी वाला जो फ़ोन होता है उसमें आपको लगभग जो है वो 99% फ़ोन में सही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बी ग्रेड से नीचे वाले फ़ोन खरीदोगे तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत जो है वो इशू हो सकता है। बी ग्रेड में मैंने जितना तक फ़ोन खरीदा है उसमें एज सच इशू नहीं होता है। एक बार हम लोग वॉइस चेक कर लेंगे कि यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि माइक्रोफोन वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइक्रोफोन जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। सो कंपस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपस वर्किंग है। बाकी एज इट इज फोन में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नजर नहीं आया है, ऑल आर वर्किंग। चलिए आप इसको 3U टूल से चेक करके देखते हैं क्या इसमें सारे के सारे जो पार्ट्स है वो हमें ओरिजिनल मिला है या डुप्लीकेट मिला है। सो 3U टूल सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आईफोन 7 को डिटेक्ट कर चुका है, 128GB वाला ये वर्जन है। अगर हम लोग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सेल्स रीजन है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो है USA, और यहाँ पे अगर हम लोग चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो है 1203 टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा बार ये चार्ज हो चुका है। बैटरी लाइफ हमें 100% देखने को नहीं मिलता है, 100% हमें तभी देखने को मिलता है जब यहाँ पे बैटरी रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे बैटरी आपको आई होप ओरिजिनल मिला होगा। बाकी यहाँ पे व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके हमें सारा जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैटरी सीरियल नंबर यहाँ पे कह रहा है कि पॉसिबली चेंज, तो मे भी हो सकता है कि बैटरी चेंज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बैटरी जो है वो चेंज किया गया है बैटरी का, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हो इस जगह पे जो सीरियल नंबर है और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये दोनों सीरियल नंबर जो है वो मैच कर जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि बैटरी चेंज नहीं किया गया है। बाकी टेस्टिंग स्कोर आप लोग देख सकते हो 95 टेस्टिंग स्कोर आया है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी एक ऐसे फ़ोन जो कि 6-7 साल पुराना फ़ोन है उसमें 95 स्कोर आना काफ़ी एक अच्छी बात है। सो अब हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में। तो कंक्लूजन पार्ट इस वीडियो का यही है कि अगर आपका बजट यहाँ पे अंडर 10,000 है और आप ऐसे एक फ़ोन के साथ काम चला सकते हो
जिस फोन में आपको यहाँ पे इस तरह का बड़ा बड़ा बेजल देखने को मिलेगा। आज के डेट में इस फोन में आपको बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और सेकेंडली कैमरा क्वालिटी भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। केवल आप इस फोन को इसलिए ले सकते हो क्योंकि आपको एक आईफोन यूज करना है, और बहुत सारे लोग इस फोन को इसलिए भी लेते हैं ताकि दिखावा कर सके कि मेरे पास आईफोन है। अदर देन आप इस फोन को एज ए सेकेंडरी फोन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा खासा फोन है और इसको अगर आप चाहते हो कि मुझे एक सेकेंडरी फोन की तरह यूज करना है, तब आप इस फोन को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाओगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए भी ऑर्डर करूं, तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अगर आप लोग डीएम करोगे तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकता हूँ। और ऑर्डर जो होता है वो प्रीपेड ऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ पे कैशिफाई सुपर सेल जो है वो यहाँ पे सीओडी ऑर्डर नहीं लेता है। और अगर मैं आपके लिए फ़ोन ऑर्डर करता हूँ तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बना पाता हूँ। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।